समस्तंको स्वागत। प्रिय छात्र छात्री, आज गणित क्लास रे आमे एक तथ्यवली को स्तंभ लेखरे प्रकाश करिबा। डाक्टर जनक सोमवार दिन 16 जन, मंगलवार दिन 20 जन, बुधवार 24 जन, गुरुवार 13 जन, शुक्रवार 25 जन एवं शनिवार दिन 28 जन रोगी देखिसंती। प्रिय छात्र छात्री, वर्तमान तुम्हें प्रदर्शित ग्राफ कागज खंडेटर देख। यही कागज रे बामरु डहाण को एवं ऊपरु तल को परस्परवर्ती लंब रेखा गुड़िक दर्शा जाइछि एवं एक सेंटीमीटर व्यवधान रे परस्परवर्ती जो लंब रेखा गुड़िक सूचित कराइछि से गुड़िक अधिक स्पष्ट भाव दर्शा जाइए। आम बामरु डाण को लंबी रेखा गुड़िक गोटे रेखा को आम विभिन्न बार मान को सूचित करने ये रेखा को आम एक्स अक्ष कहवा एवं ऊपर तल को लंबी रेखा मान गोटे को विभिन्न बारे डाक्तर देखिता रोगी संख्या को सूचित करने ना यही रेखा को आम वाय अक्ष कह। स्तंभलेख अंकन प्रदर्शित रेखा पर ग्राफ कागज पृष्ठ एक रेखा अंकन कर। यही रेखा प्रति लंब भाव आउ गोटे रेखा अंकन कर। चित्र यह प्रदर्शित हो लक्ष्य कर। परस्पर प्रति लंब रेखा देवा को एक्स अक्ष एवं वाय अक्ष रूपे नामकरण कर। एठा देख जे बिंदु एक्स अक्ष एवं वाय अक्ष छेद करिंदु को आम मूल बिंदु कहवा। यार स्थानांक को आम जीरो आकार नवा। एक्स स्थानांक जीरो, वाय स्थानांक जीरो। एक्स अक्ष ऊपर एक सेंटीमीटर व्यवधान रे बार मानकर नाम गुड़क आम लिखिदेबा। यह द्वारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहीपरि विभिन्न बार मानकर जो स्तंभ आम अंकन करवा से गुड़िक परस्पर ठार पृथक हेब। आम स्पष्ट भाव तथ्य आलोचना करपर। डाक्तर विभिन्न बार मानकर स्वास्थ्य परीक्षा करथिबा रोगी मानकर संख्या को सूचित करने वाय अक्ष रे आम विभिन्न संख्या गुड़ को लिखिबा। एठा तुम देख सारणी रे शनिवार दिन डाक्तर 28 जन रोगी देखिछंती। तेणु आम एकक निर्धारण समय रे एपरी भाव संख्या गुड़ को लिखिबा जेपरी प्रत्येक दिन रे डाक्तर देखिथिबा भिन्न रोगी मानकर संख्या को ग्राफ कागज रे आम चिन्हट करि परिबा। एठारे शनिवार दिन 28 जन रोगी डाक्तर देखिसंती। तेणु स्तंभ लेखर सर्वाधिक उच्चता 28 सेंटीमीटर आम एठारे नेबा। एपरी एठारे लेखा जाइछि एकक निर्धारण समय रे एक सेंटीमीटर पर वाय अक्ष रे दुईट एकक लेखा जाइछि। देख शून्य आरंभ कर आम लिखीछु एठारे शून्य दुई चार आठ एही क्रम रे 28 पर्यंत। वर्तमान आम सोमवार दिन पर स्तंभलेख अंकन करवा। सोमवार दिन डाक्तर 16 जन रोगी देखिछंती। तेणु आम सोमवार दिन पर जो ग्राफ कागज रे आम स्थान चयन करिछु रखिछु ता उपरे आम दुटी बिंदु निर्णय करवा। एठी गोटे बिंदु एवं एठी गोटे बिंदु चिन्हट करवा एवं एही दुई बिंदु को आम संयुक्त करवा। तापरे एही बिंदुरु तळ को लंबा भरे लंबी थिबा रेखा को एही पर्यंत जोड करवा
ଏବଂ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଥିବା ରେଖାକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସୋମବାର ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହା ଚିତ୍ରରେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ।